आपने सुना होगा कि आपका दिमाग आपको रिच बना सकता है आपका दिमाग आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव कर सकता है आपका दिमाग आपको बहुत ज्यादा हाइट दे सकता है बहुत ज्यादा अचीवमेंट दे सकता है अर्ली स्टेज पे भी तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ योर माइंड कैन गिव यू द बेस्ट रिजल्ट इफ यू थिंक इफ यू यू नो कैरी योर माइंड इन दैट डायरेक्शन मेरा नाम धनंजय है इस चैनल पर आपका स्वागत है अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर आपको फाइनेंस पर्सनल फाइनेंस कॉरपोरेट सिंपल गवर्नेंस ऑनटरप्रनरशिप लाइफ लेसन इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाली हैं और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं अब च, अब आ जाते हैं मुद्दे पे मुद्दा आज इस वीडियो का ये है कि हमारा माइंड ही हमें आगे लेके जाता है ना कि हमारी अपनी यू नो इकोनॉमिकल कंडीशन ये बात मैंने और आपने बहुत सारे जगहों पे सुन रखी होंगी क्या आपने कभी इसको प्रैक्टिकली फील किया है एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं मान लीजिए आपके घर में आज की डेट में किसी वक्त कोई दिक्कत आ गई कोई परिवार का एक सदस्य जो बीमार पड़ गया या उसको ऑपरेशन कराना है और वो ऑपरेशन इमीडिएट कराना है नहीं तो जान पे खतरा आ सकता है ऐसे केस में आपने जब पता किया हॉस्पिटल में तो पता चला कि एक लाख का खर्चा है घर में सिर्फ दस हजार है मुझे सब लोग समझ के बताइए कमेंट करिए क्या उस दस हजार रहने पे नब्बे हजार का जो डेफिसिट है जो नब्बे हज़ार आपके पास अरेंज नहीं है उसकी वजह से आप अपने उस परिवार उस सदस्य की जिंदगी को दांव पे लगा देंगे आंसर होगा नहीं फिर क्या करेंगे फिर हम बोरो करेंगे किससे रिश्तेदारों से जान पहचान से क्लोज रिश्तेदार से किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से कुछ भी करके वो पैसा अरेंज करेंगे एंड इनफैक्ट बिलीव मी एक लाख की जरूरत होगी ना आप एक लाख दस हजार अरेंज कर देंगे यह कहां से क्योंकि हमने सोचा तो हमने अरेंज किया एग्जैक्टली exactly यही काम करती हमारी लाइफ में हमारे फाइनेंस में हमारे ग्रोथ में चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं कि एक फैमिली के पास हम गए जिनके घर में सारे सरकारी नौकरी वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं सुकून में और अच्छी फैमिली है अच्छी चल रही है वो अपने बच्चे को मैं गारंटी के साथ आप सबको कहता हूं इंटी परसेंट से ऊपर यही आंसर मिलेगा आप उन पूछिए अपने बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं क्या करना चाहता है सबका आंसर होगा गवर्नमेंट जॉब पोस्ट कुछ भी हो सकता है कोई आई बोल सकता है कोई पीसीएस बोल सकता है कोई इंजीनियर बोल सकता है कोई बैंकिंग बोल सकता है कोई डिफेंस बोल सकता है लेकिन बोलेंगे वो गवर्नमेंट जॉब ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाइए उनसे बात करिए अपने बच्चे को क्या करना चाहते हैं 90 परसेंट एम इसके बाद बिजनेस संभालेगा फॉरेन भेजेंगे पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं आईआईटी में हो जाए आई में के बाद क्या सरकारी नौकरी रही नहीं जी कौन सरकारी नौकरी करेगा इस तरह की थॉट आपके सामने लेके आएंगे दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं माइंड का है दोनों में डिफरेंस किसका है माइंड का सिर्फ और सिर्फ और वही माइंडसेट उनको आगे लेके जाती है चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं एक बंदा जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है ऑर्डिनरी पर्सन मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है और एक बहुत ही हाई क्लास का बंदा है दोनों के पैसे को छीन लो मान लो अंबानी साहब के मुकेश अंबानी जी के सारे पैसे को छीन लिया जाए और उस बंदे के भी पैसे को छीन लिया जाए और उनको दोबारा इसी दुनिया में इस्टेब्लिस कर दिया जाए छोड़ दिया जाए जाओ जी अब आप अपना नए सिरे से स्टार्ट करो चलो मुझे बताओ आप लोग कि कौन सबसे जल्दी सर्वाइव कर जाएगा कौन सबसे जल्दी ग्रो कर जाएगा Obvious, आपका आंसर होगा कि अंबानी साहब क्योंकि उनका माइंड बहुत तेज है माइंड सेट तेज है विजन क्लियर है एग्जैक्टली exactly यही लाइफ में होता है लाइफ में अगर आपका विजन क्लियर है आपको पता है कि आपको करना क्या है आपको यह पता है कि आपको जाना कहाँ है तो रास्ता तो आप बना ही लेंगे यार दिक्कत अगर दिक्कत ना आए तो फिर वो मंजिल ही क्या बढ़िया फिर तो एवरेज मंजिल हो जाएगी यही माइंडसेट आप लोग को यू you इन्हो know, जो मीडियाकर सोचने वाले लोग हैं लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करने वाले लोग हैं जो यू you इनो know, बहुत छोटे जगहों पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं जो पैरेलल पैसिव इनकम पैरेलल ज्यादा साइड इनकम ये इसके बारे में नहीं सोचते उनके लिए लागू होती है तो इस चैनल पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल पॉइंट्स सिर्फ सिर्फ हवा में बातें नहीं प्रैक्टिकल बिकॉज मीडियाकर जो फैमिली है मीडियाकर जो बंदा है उसके पास इतना पैसा ही नहीं बच रहा है कि वो इन्वेस्ट करे इसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सेकेंडरी इनकम जनरेट करने के लिए स्टार्ट करे चीज़ों को सो हाउ टू कट स्मॉल एक्सपेंडिचर हाउ टू एड स्मॉल इनकम बिकॉज सो दैट यू नो कि आपका जो 10% परसेंट आपने एक्सपेंडिचर में कट किया 10% परसेंट इनकम में बढ़ा दिया तो 20% परसेंट आपका जो मंथ का बजट है वो सरप्लस में आपके पास आ गया एंड वो सरप्लस आप उसको इन्वेस्ट करके किसी अपने अपने यू नो अपने माइंड में इन्वेस्ट कर लो ना यार कोई कोर्स ज्वाइन कर लो इंटेलेक्चुअल चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको डिविडेंड देगी कैसे आप अपनी सैलरी को नेगोशिएट करेंगे अगर आप जॉब में हैं कैसे आप बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे इन इन कॉम्पटिशन में कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्पिटिशन में इन सारी बातों को अगर आप ध्यान से सोचें स्टेप बाई स्टेप लागू करें अपनी लाइफ में तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ साल लगेंगे यस yes, ओवरनाइट नहीं होगा एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा ये तो पक्का मान के चलिए तो ये आ, मेरा प्रयास रहेगा आपके लिए सो थैंक यू इस छोटे से वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच बाय टेक केयर